सपोज हमने जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी आप एक्स प्लस आयोटा वाई बोलते हो तो एक्स और वाई इसमें रियल नंबर्स। अगर आपसे कहा जाए कि इसका मॉड लिखें, मॉड जेड, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ जेड, शॉर्ट में मॉड जेड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड लिखेंगे ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान दें ये जो रूट होता है दिस इज पॉजिटिव रूट, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ जीरो का मॉडुलस जीरो होगा, जीरो के अलावा बाकी सारे नंबर्स के मॉडुलस पॉजिटिव होते हैं। लिख लीजिए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेवर नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेवर नेगेटिव। यानी मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होगा एक्सेप्ट जीरो, सिर्फ जीरो का मॉडुलस जीरो होता है, जीरो को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर का मॉड निकालोगे तो वो पॉजिटिव होगा। मॉड निकालते कैसे, किसी भी नंबर का मॉड निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स मतलब रियल पार्ट, वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने मॉड लिखा थ्री प्लस फोर आयोटा, इसका मॉड लिखना है तो एक्स हो गया थ्री, वाई हो गया फोर, इसका मॉड हो जाएगा नाइन प्लस थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, रियल वाले का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले का, तो बना क्या ये फाइव। ध्यान है प्लस माइनस फाइव मत लिख दिएगा, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव लिखना है। अगर मैं थ्री माइनस फोर आयोटा का मॉड लू तो रियल पार्ट थ्री, इमेजिनरी पार्ट माइनस फोर हो गया, बट चूंकि अल्टीमेटली तो हमें स्क्वायर करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस फोर का स्क्वायर भी करेंगे तो 16, तो सेम मॉडुलस आएगा। मतलब ये कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है, थ्री प्लस फोर आयोटा एंड थ्री माइनस फोर आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो कॉन्जुगेट का मॉड सेम रहता है, यानी जो जेड का मॉडुलस होगा वही जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस होगा, दोनों के मॉडुलस सेम होते हैं। और इनफैक्ट ऐसे मैं इनफाइनेटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख सकता हूं जिनका मॉडुलस फाइव होगा। जैसे अगर मान लो मैंने फोर प्लस थ्री आयोटा लिख दिया, तब भी मॉडुलस फाइव आएगा, चूंकि क्या होगा अंडर रूट सिक्सटीन प्लस नाइन, फोर माइनस थ्री आयोटा लिख दूं तब भी मॉडुलस फाइव होगा, माइनस फोर प्लस थ्री आयोटा लिख दूं, फोर माइनस फोर माइनस थ्री आयोटा लिख दूं, या सिंपली मैंने कोई नंबर लिख दिया फाइव आयोटा, फाइव आयोटा का मतलब क्या है जीरो प्लस फाइव आयोटा, इसका रियल वाला पार्ट जीरो है, इमेजिनरी वाला पार्ट फाइव है। अगर इसका मॉड लोगे तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल तो जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो एंड देन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी, ये भी फाइव आएगा। ठीक, अगर मान लो मैं सिर्फ फाइव का मॉडुलस लेता हूं या माइनस फाइव का मॉडुलस लेता हूं, तो माइनस फाइव का मतलब क्या हो गया, माइनस फाइव प्लस जीरो आयोटा, इसका इमेजिनरी वाला पार्ट जीरो है, माइनस फाइव प्लस जीरो आयोटा, तो इसका भी मॉड वही आएगा, क्या आएगा अंडर रूट माइनस फाइव का स्क्वायर तो हो गया 25, इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो जीरो का स्क्वायर, बोलो ठीक है ये। या मान लो मैंने लिख दिया टू रूट सिक्स प्लस आयोटा, इसका मॉड ले रहा हूं, रियल पार्ट इसका क्या है टू रूट सिक्स और इमेजिनरी पार्ट इसका वन है, वन आयोटा है, मॉड लोगे क्या बनेगा अंडर रूट टू रूट सिक्स का स्क्वायर, टू रूट सिक्स का स्क्वायर 24, इमेजिनरी पार्ट 1 है 1 का स्क्वायर, तो ये भी 5 आएगा। तो ऐसे हम इनफाइनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख सकते हैं जिनका मॉडुलस 5 होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस सेम है तो आप ये मत कह दोगे कि दोनों सेम नंबर है, मतलब दो डिफरेंट नंबर्स के भी मॉडुलस सेम हो सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे इनफाइनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं जिनका सेम मॉडुलस हो, जैसे मैं लिखता जा रहा हूं सबका मॉडुलस क्या रहा है 5 आ रहा है, ये सारे डिफरेंट नंबर्स हैं बट सबके मॉडुलस सेम है, सबका मॉडुलस जो है वो 5 के इक्वल है, समझ मारी वक्त।
अब लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, वन बाय वन एक एक करके देखोगे। अभी मैंने कहा कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव लेना है, हर एक नंबर का एक्सेप्ट जीरो, जीरो का मॉडुलस सिर्फ जीरो होगा। इसलिए कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है मॉड जेड इज इक्वल टू जीरो, तो फिर जेड की एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो मॉड जेड इज इक्वल टू जीरो दोनों एक ही बात है, क्योंकि जीरो के अलावा और किसी नंबर का मॉडुलस जीरो होता ही नहीं है। तो अगर मॉड जेड जीरो है तो इसका मतलब है जेड की वैल्यू जीरो, बट बाकी केस में नहीं लिख सकते। यानी अगर मॉड जेड इज इक्वल टू फाइव लिखा हुआ है मत बोल दोगे जेड की वैल्यू फाइव है, या मॉड जेड इज इक्वल टू थ्री लिखा हुआ है नहीं बोल दोगे जेड की वैल्यू थ्री है। सिर्फ जीरो के केस में ऐसा है कि मॉड जेड इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है तो जेड की वैल्यू जीरो है। अगर कहीं पर लिखा हुआ मॉड जेड इज इक्वल टू वन तो ये मत बोल दोगे जेड इज इक्वल टू वन। अभी मैंने कहा कि मॉड जेड इज इक्वल टू वन अगर है तो जेड की इनफाइनिटी मेनी वैल्यू हो सकती है। ऐसे इनफाइनिटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं जिनका मॉडुलस वन है, ऐसे इनफाइनेटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं जिनका मॉडुलस 2 है, ऐसे इनफाइनेटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं जिनका मॉडुलस 5 है। तो अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो हम ये नहीं बोल देंगे कि जेड की वैल्यू 5 है, जेड की वैल्यू इनफाइनेटली मैनी हो सकती है। अभी आपको एग्जाम्पल से भी दिखाई कैसे हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स चूज किए जिनका मॉडुलस 5 है। सिर्फ जीरो के केस में ये वैलिड है कि अगर मॉड जेड जीरो है तो जेड की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो क्या होगी, जीरो। नेक्स्ट अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉडुलस ले रहे हैं मॉड जेड वन इंटू जेड टू, इसमें जेड वन एंड जेड टू आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्ट का मॉड ले रहे हो, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड वन मॉड जेड, यानी नंबर्स को मल्टी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉड जब भी ले रहे हो तो आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों का मॉड अलग अलग लिखा जा सकता है मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। मैं क्या बोल रहा हूं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि इसका मॉड लीजिए 1 प्लस टू आयोटा इंटू टू माइनस या फिर 7 माइनस आयोटा, एक मिनट, चलो मान लो इसका मॉड लिख रहा हूं मैं 1 प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस आयोटा। इसका मॉड आपसे पूछा गया कि 1 प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस आयोटा का मॉड क्या होगा, तो आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली दोनों का मॉड अलग अलग लिख देंगे, 1 प्लस आयोटा का मॉड और 7 माइनस आयोटा का मॉड, मॉडुलस का प्रोडक्ट ले लोगे। तो 1 प्लस आयोटा का मॉड क्या हो जाएगा बोलो, 1 प्लस आयोटा में रियल पार्ट भी 1 है इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1। और 7 माइनस आयोटा का मॉडुलस लेंगे तो इसका रियल पार्ट 7 है इमेजिनरी पार्ट माइनस 1 है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो ये हो गया रूट टू इंटू रूट 50। पहले वाले का मॉड रूट टू है, दूसरे वाले का मॉड रूट 50, अल्टीमेटली क्या बन गया ये 10 रूट 100। बोलो ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और उसका मॉड लें, लेकिन जरूरत क्या, अगर मुझे मॉड निकालना है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मॉड ले सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने दो का प्रोडक्ट लिया। अगर दो से ज्यादा का भी प्रोडक्ट हो और आपको प्रोडक्ट का मॉड लेना हो तो आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मॉड लिया जा सकता है सबका। जैसे मान लो ये लिखा हुआ कहीं पर जेड वन जेड टू जेड थ्री, ऐसे में कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं जेड एन का, Z1, Z2, Z3, Z4 ये सारे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Zn तक हमने n कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिया और इसके प्रोडक्ट का मॉड ले रहे हैं, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3, इस तरह से मॉड Zn। इन शॉर्ट में सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉडुलस और मॉडुलस का प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज होता है, कि पहले प्रोडक्ट निकालो उसके बाद मॉड लो या पहले मॉड ले लो और उसके बाद प्रोडक्ट लो, दोनों एक ही चीज होता है, मॉड प्रोडक्ट का मॉडुलस और मॉडुलस का प्रोडक्ट दोनों सेम चीज है। जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ कहीं पे 1 प्लस 2 आयोटा
टू माइनस आयोटा इसका मॉड लेना मुझे प्रोडक्ट का, तो मुझे तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, मतलब अगर मान लो आपसे इसका कोई मॉड पूछ रहा है आप मल्टीप्लाई करने लगे, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा सेम, बट टाइम का वेस्टेज होगा कि आप तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, अरेंज करोगे, उसके बाद मॉड लोगे। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा सीधा तीनों का अलग अलग मॉड लिख देना। क्या लिखोगे? 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4, रियल पार्ट इसका 1 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। 2 माइनस आयोटा का मॉड लेंगे अंडर रूट 4 प्लस 1, रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट माइनस 1 है, स्क्वायर करोगे 4 प्लस 1। और 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड लोगे तो अंडर रूट 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बना क्या ये रूट 5, पहले वाले का मॉड, दूसरे वाले का भी रूट 5, तीसरे वाले का 5, अल्टीमेटली ये 25 है। समझ में आ गई बात? तो प्रोडक्ट का मॉडुलस जब भी लिखना हो तो अलग अलग मॉड निकाला जा सकता है और उसका प्रोडक्ट होगा। सेम ये बात रेशियो पे भी ट्रू है। जब भी आप रेशियो का मॉडुलस ले रहे हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, इसके रेशियो का मॉड लेना, तो आपको नंबर्स का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड Z1 ओवर मॉड Z, दोनों के मॉड अलग अलग लिखे जा सकते हैं, मॉड Z1 ओवर मॉड Z। रेशियो का मॉडुलस और मॉडुलस का रेशियो दोनों एक ही चीज होता है। जैसे मान लो आपसे इसका मॉडुलस पूछा गया, ध्यान दोगे जो, सपोज आपसे मॉडुलस पूछा गया 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो लेने की जरूरत नहीं, आप सिंपली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग मॉड निकाल दो। 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड भी यही होगा 9 प्लस 16, तो अल्टीमेटली यह क्या है 1 है। अगर मिक्सचर भी हो प्रोडक्ट एंड रेशियो का, यानी कुछ टर्म्स प्रोडक्ट में हो कुछ डिनोमिनेटर में, तभी आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है Z1, एग्जांपल में देख लो, मान लो ये लिखा हुआ है, इसका मॉड लेना आपको 2 माइनस 3 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 8 आयोटा, मान लो इसका। तो प्रोडक्ट और रेशियो जब भी दिख रहा है सिंपली अलग अलग मॉड लिया जा सकता है। इसमें तीन नंबर्स हैं, तीनों के मॉड अलग अलग लिख लो। 2 माइनस 3 आयोटा का मॉड हो गया अंडर रूट 4 प्लस 9, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 प्लस 2 आयोटा का मॉड हो गया अंडर रूट 9 प्लस 4, 3 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। 6 माइनस 8 आयोटा का मॉड हो गया 36 प्लस 64, 6 का 36 माइनस 8 का 64, तो ये हो गया, क्या बन रहा है ऊपर रूट 13 इंटू रूट 13, यानी 13 नीचे 10। ठीक, इसी तरह से अगर पावर का भी मॉड हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये लिखा हुआ, अगर मॉड जेड रेस टू एन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पावर का मॉडुलस ले रहे हो, तो आपको पावर निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो मॉड जेड रेस टू, यानी पहले मॉड ले लो और मॉड पे पावर डाल दो, कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर डालने की जरूरत नहीं है। वैसे होगा दोनों एक ही चीज, पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर फाइंड करो और उसके बाद मॉड लो, या पहले मॉड ले लो और उसके बाद पावर डाल दो, होता दोनों एक ही चीज है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है, ध्यान दोगे जब, मान लो मुझे चाहिए मॉड 2 माइनस आयोटा होल रेस टू 6, तो अगर मैं 2 माइनस आयोटा होल रेस टू 6 निकालने जाऊंगा तो काफी मेहनत करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इस ये पावर निकालने जाओगे कि 2 माइनस आयोटा होल रेस टू 6 क्या होता है, तो आपको काफी मेहनत करना पड़ जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको चूंकि 2 माइनस आयोटा होल रेस टू 6 की वैल्यू तो बतानी नहीं है, आपको उसके मॉडुलस की वैल्यू बतानी है।
तो आप क्या करो कि पहले 2 माइनस आयोटा का मॉड ले लो, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड 2 माइनस आयोटा, फिर मॉड पे पावर डाल देंगे 6, यानी पहले मॉड लिख लेंगे उसके बाद पावर डाल देंगे 6, और 2 माइनस आयोटा का मॉड क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का, इसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट माइनस 1 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 और इस पे पावर डाल देंगे 6, तो क्या बन गया ये रूट 5 रेस टू 6, एक्चुअल में ये 125 हो जाएगा 5 का होल क्यूब। बोलो ठीक है ये क्या क्या अब तक मैंने कि अगर प्रोडक्ट या रेशियो का मॉड है तो अलग अलग लिखा जा सकता है, पावर का मॉड है तो पहले मॉडुलस ले लेंगे उसके बाद पावर डाल देंगे, लेकिन सम या डिफरेंस पे ये ट्रू नहीं है। मतलब अगर आप सम का मॉडुलस ले रहे हैं मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, ध्यान दोगे इधर प्रवेश सुनो, अगर आपको सम का मॉडुलस लेना है जेड वन प्लस जेड टू का मॉड, तो इसमें ये नहीं चलेगा कि आप पहले दोनों का अलग अलग मॉड ले लो और ऐड कर दो, यानी मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू एंड मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू ये दो डिफरेंट चीजें, यानी सम है तो पहले आपको सम ही निकालना पड़ेगा उसके बाद मॉड लोगे, दिस इज नॉट इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, ये सेम नहीं है, ये दो डिफरेंट चीजें, हो सकता है किसी केस में सेम हो जाए बट ये दोनों ऑलवेज इक्वल नहीं होते, ये दोनों ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों हमेशा सेम आ जाए। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लो मुझे इसकी मॉड 3 प्लस 4 आयोटा 12 आयोटा इसका मॉड चाहिए सम, तो आप ये गलती मत करोगे कि दोनों का अलग अलग मॉड ले लो और ऐड कर दो, आपको पहले नंबर्स को ऐड करना है उसके बाद मॉड लेना है, यानी क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे 8 माइनस 8 आयोटा और अब मॉड लोगे, तो मॉड लोगे तो क्या बनेगा ये अंडर रूट 64 प्लस 64, 8 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, तो एक्चुअल में ये 8 रूट 2 है, लेकिन अगर अलग अलग मॉड ले लेते हैं तो 8 रूट 2 नहीं आता, 3 प्लस 4 आयोटा का जो मॉड आता है वो 5 आता है और 5 माइनस 12 आयोटा का जो मॉड आता है वो 13 आता है, 5 एंड 13 मिलकर 18 बनता है, 8 रूट 2 नहीं बनता, तो सम में नहीं चलता, अलग अलग मॉड आप नहीं ले सकते, पहले आपको ऐड करना होगा देन मॉड लेना होगा, समझ मारी बात, और डिफरेंस पे भी यही होगा, डिफरेंस में भी आप अलग अलग मॉड नहीं ले सकते, यानी अगर ये लिखा हुआ मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, तो ये गलती मत करोगे कि इसको मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू लिख दो, दिस इज नॉट इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड, यानी जब डिफरेंस का मॉड लेना हो तो पहले आप डिफरेंस निकालोगे उसके बाद ही मॉड लोगे, मतलब ये नहीं कर सकते कि पहले मॉड ले लिया और उसके बाद डिफरेंस लिया, जैसे अगर मान लो ये लिखा हुआ कहीं पे मॉड 5 माइनस 2 आयोटा, इसमें इधर देखो आर्यन, जैसे ये दो नंबर्स का डिफरेंस है तो आप अलग अलग मॉड नहीं लोगे, पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके क्या बन गया ये 4 प्लस आयोटा एंड सब मॉड लोगे, तो मॉड क्या बनेगा इसका अंडर रूट 16 प्लस 1, रियल पार्ट 4 है इमेजिनरी पार्ट 1 है, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बना क्या ये रूट 17 होगा ये, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अक्सर जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम में, अगर मॉड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है पावर को मॉडुलस के अंदर लिखूं या बाहर लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैंने कहा था मॉड जेड रेस टू एन लिखूं या पावर बाहर डाल दूं, यानी ये लिखा जाए या इसको अंदर लिखा जाए, ये दोनों एक ही चीज है, मॉड जेड होल स्क्वायर या मॉड जेड स्क्वायर, अगर मॉड जेड का स्क्वायर हो तो ये z इंटू जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, मॉड जेड स्क्वायर और z इंटू जेड कॉन्जुगेट दोनों सेम चीज है, तो इसलिए कहीं भी अगर आपको मॉड जेड का स्क्वायर दिख रहा है तो आप उसे z इंटू जेड कॉन्जुगेट बोल सकते हैं, या उल्टा z इंटू जेड कॉन्जुगेट दिख रहा हो तो उसको मॉड जेड का स्क्वायर बोल सकते हैं, बड़ा ऑब्वियस है कि दोनों सेम है, कैसे देखो, अगर z है x प्लस आल्टा वाई तो z कॉन्जुगेट क्या मिलेगा x माइनस
सपोज जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड कॉन्जुगेट हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे जेड और जेड कॉन्जुगेट को तो होगा एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस, फॉर्मूला लगाओ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बना के अल्टीमेटली ये जो ऑब्वियसली मॉडुलस का स्क्वायर है, क्योंकि मॉड जेड क्या बनेगा, मॉड जेड बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मॉड जेड का स्क्वायर है, क्योंकि मॉड जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो गया कोई कॉलम है इधर देखिए, पूछना मुझसे पूछ लीजिए, इसको याद रखेंगे मॉड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट ये दोनों सेम चीज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स, कुछ तो कॉन्जुगेट की बात मैंने शुरुआत में ही कर दी थी जब कॉन्जुगेट बता रहा था मैं, तो ये आपने देखा था कि अगर z है x प्लस आयोटा वाई तो z कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई, फिर आपने देखा था कि अगर हम रियल नंबर का कॉन्जुगेट लें तो वही रह जाता है, क्योंकि एक्चुअली रियल नंबर जैसे 3 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 का मतलब हो गया 3 प्लस 0 आयोटा, ऑब्वियसली 3 प्लस 0 आयोटा बोले या 3 माइनस 0 आयोटा बोले कॉन्जुगेट वही रहेगा, तो 3 प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया 3 माइनस 0 आयोटा, मीन्स 3 का कॉन्जुगेट 3 रहेगा, तो इसलिए अगर कभी भी z रियल नंबर है तो z कॉन्जुगेट और z दोनों सेम चीज है, और कन्वर्स भी ट्रू है, कहीं भी अगर लिखा हुआ है z कॉन्जुगेट और z सेम है तो इसका मतलब है कि z इज ए रियल नंबर, ये मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं आपके नोट्स पे लिखा होगा। फिर अगर z प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं जिसका रियल पार्ट जीरो होता है, जैसे 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस 3 आयोटा, 4 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस 4 आयोटा, तो अगर z प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट जस्ट नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, तो अगर z प्योरली इमेजिनरी हो तो z कॉन्जुगेट माइनस z के इक्वल होता है, कन्वर्स भी ट्रू है, कहीं पे भी अगर लिखा हुआ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z तो आप स्ट्रेट अवे क्लेम कर देंगे कि z इज प्योरली इमेजिनरी, तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ दिखे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z दिस मींस z इज रियल, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ z कॉन्जुगेट इज नेगेटिव ऑफ z मींस z इज प्योरली इमेजिनरी, ये ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स के सम का कॉन्जुगेट लेना हो, मान लो कई सारे नंबर हैं और इसके आप सम का कॉन्जुगेट ले रहे हो, होता है कॉन्जुगेट अगर आप ऐसे डैश डाल रहे हो बार डाल रहे हो ऊपर मतलब इनका कॉन्जुगेट लेना है, तो अगर सम का कॉन्जुगेट लेना हो तो आप अलग अलग सबका कॉन्जुगेट ले सकते हो, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो जेड वन बार प्लस जेड टू बार प्लस जेड थ्री बार अप टू जेड, मतलब ये कि सम का कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट्स का सम लें दोनों एक ही चीज होता है, कि पहले आप ऐड कर दें उसके बाद कॉन्जुगेट लें या पहले कॉन्जुगेट ले लें और उसके बाद ऐड कर दें, दोनों एक ही चीज होगा, ये बात डिफरेंस पे भी ट्रू है, अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस है z1 माइनस z2 और इसका कॉन्जुगेट लेना, आपको z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट कोई पूछे तो ये मत बोल दोगे z1 प्लस z2, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट कोई पूछे तो आप बोलेंगे z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेंगे z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, ये प्रोडक्ट पे भी ट्रू है, मान लो दो या दो से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लेना का कॉन्जुगेट z1 z2 z3 इस तरह से zn तक सारे का प्रोडक्ट है और इसका कॉन्जुगेट लेना तो आप अलग अलग लिख सकते हो कॉन्जुगेट ऑफ z1 कॉन्जुगेट ऑफ z2 कॉन्जुगेट ऑफ z3 इस तरह से कॉन्जुगेट ऑफ zn। रेशियो पे भी ट्रू है, अगर z1 ओवर z2 का कॉन्जुगेट लेना तो अलग अलग लिख सकते z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, जैसे मान लो लिखा हुआ कहीं पे a प्लस आयोटा b ओवर c प्लस आयोटा d, न्यूमरेटर पे a प्लस आयोटा b डिनोमिनेटर पे c प्लस आयोटा d, और आपसे कहा जाए कि इसका कॉन्जुगेट बताएं तो
आप सिंपली दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लिख दोगे, यानी क्या बोल दोगे, कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी ओवर सी माइनस आयोटा डी। और ये पावर पे भी ट्रू है, अगर ये लिखा हुआ है जेड रेस टू एन इसका कॉन्जुगेट, तो आप इसको कॉन्जुगेट जेड लिख सकते, यानी पावर का कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट्स का पावर लिखें, दोनों एक ही चीज होता है। चलो क्वेश्चन लिखो, राइट द मॉडल्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक एक करके मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दूंगा, आपको मॉड बताना है कि इनके मॉडल्स क्या है। मॉडल्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या हो गया चिराग, थक गए क्या, टाइम देख रहे हो, लिखिए। टू माइनस थ्री आयोटा, थ्री प्लस फोर आयोटा ओवर थ्री प्लस टू आयोटा इंटू फाइव माइनस ट्वेल्व आयोटा, इसका मॉडुलस निकाल। राइट द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सभी का। अभी मैंने कहा कि जब भी प्रोडक्ट या रेशियो का मॉडल्स देख रहे हो, यानी आपसे कहा गया कि इसका मॉड फाइंड करें, ये मॉडल्स का मतलब ये है कि सबका अलग अलग मॉड लिख दो। तो टू माइनस आयोटा का मॉड हो गया अंडर रूट फोर प्लस नाइन, थ्री प्लस फोर आयोटा का मॉड अंडर रूट नाइन प्लस सिक्सटीन, थ्री प्लस टू आयोटा नाइन प्लस 5 माइनस 12 आयोटा 25 प्लस 144, ये तो सेम आ रहा, रूट 13 खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली बच रहा 5 बाई 13। नेक्स्ट इसकी वैल्यू लिखे, मॉड आयोटा 1 माइनस आयोटा क्यूब 2 माइनस आयोटा रेस टू 4, 1 प्लस आयोटा रेस टू 5, 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, come on.
सभी को प्रोडक्ट रेशियो पावर इन पे मॉड अलग अलग लिखा जा सकता है। आयोटा का मॉडुलस तो ऑब्वियसली वन हो गया, चूंकि आयोटा का मतलब है जीरो, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इसका वन है, तो आयोटा का मॉडुलस तो हो गया अंडर रूट जीरो प्लस वन, रियल पार्ट इसका जीरो, इमेजिनरी पार्ट वन। वन माइनस आयोटा का मॉडुलस हो गया अंडर रूट वन प्लस वन, इसका रियल पार्ट वन है, इमेजिनरी पार्ट माइनस वन है, इस पे क्यूब है। टू माइनस आयोटा का मॉडुलस अंडर रूट फोर प्लस वन, इस पे पावर फोर है। अगेन वन प्लस आयोटा का मॉडुलस अंडर रूट वन प्लस वन होल रेस टू, वन प्लस टू आयोटा अंडर रूट वन प्लस फोर स्क्वायर है, तो हो गया रूट टू क्यूब रूट फाइव फोर रूट टू रेस टू फाइव और रूट फाइव रेस टू, सही है। तो बच क्या जा रहा है, ऊपर रूट फाइव का स्क्वायर और नीचे रूट टू रेस का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये फाइव बाई टू है, बोलो ठीक है। ये नेक्स्ट मॉड निकाल, मॉड आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय थ्री प्लस फोर आयोटा, प्लस वन
प्रोग्राम देखोगे। इसमें आप अलग अलग मॉड लेने की गलती ना करें, जो कि आपको सम डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और सम डिफरेंस में पहले कैलकुलेशन करना है, यानी पहले सिंप्लीफिकेशन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसके बाद मॉड के लिए जाना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर, वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा माइनस थ्री आयोटा, थ्री प्लस फोर आयोटा, ध्यान दो इधर, वन माइनस आयोटा का स्क्वायर, वन प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस टू आयोटा। आयोटा वन आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस टू आयोटा माइनस थ्री आयोटा, थ्री प्लस फोर आयोटा, वन माइनस टू आयोटा। मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो टू आयोटा स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा, यहां भी वन, ये थ्री प्लस टू आयोटा, सही लिखा है, क्या बना फाइनली ये न्यूमरेटर पे बन गया माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, और डिनोमिनेटर पे थ्री प्लस टू आयोटा। और अब चूंकि ये रेशियो है तो अलग अलग मॉड लिखा जा सकता है। न्यूमरेटर का मॉड लिखेंगे तो अंडर रूट फोर प्लस नाइन माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, रियल पार्ट माइनस टू, इमेजिनरी पार्ट माइनस थ्री। डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी मॉड लेंगे तो अंडर रूट नाइन प्लस फोर, सेम आ रहा है, यानी ये वन के इक्वल। समझ में आई बात, क्या हो गया, क्या देख लिया आज है, हसीन ही रुक रही है। लिखो क्वेश्चन, लिखा जाए, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा होल क्यूब वन माइनस आयोटा होल रेस टू फोर टू माइनस आयोटा होल रेस टू सेवन टू प्लस आयोटा होल रेस टू माइनस नाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये गिवन है कि x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू ये, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
गया, बोलिए तो सही। इधर देखो, एक्चुअली आपको क्वेश्चन से ये आइडिया लग जा रहा था, x प्लस आल्फा वाई की वैल्यू ये गिवन है, फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बड़ा क्लियर है कि अगर हम x प्लस आल्फा वाई का मॉड लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो बात सीधी सी है कि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना था, तो टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, पर दोनों तरफ मॉड लेना। ऑब्वियसली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका मॉड भी सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लेफ्ट और राइट, तो इनका मॉड भी सेम रहेगा। एक्स प्लस आल्फा वाई का मॉड हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और राइट पे सिंपली चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉड है, और प्रोडक्ट का मॉड है तो अलग अलग मॉड हम लिख सकते हैं। वन प्लस आल्फा का मॉड हो गया अंडर रूट वन प्लस वन, इस पे क्यूब है, पावर 5 है। 2 माइनस आयोटा का मॉड अंडर रूट 4 प्लस 1, इस पे पावर है 7, और 2 प्लस आयोटा का मॉड अंडर रूट 4 प्लस 1, इस पे पावर माइनस 9। ये रूट 2 रेस टू 3 एंड देन रूट 2 रेस टू 5 मिलकर हो गया रूट 2 रेस टू 8, रूट 5 रेस टू 7, और दूसरा रूट 5 रेस टू माइनस 2, सॉरी रूट 5 रेस टू माइनस 9, तो नेट बचेगा रूट 5 रेस टू माइनस 2, 7 माइनस 9, बोलो ठीक है। ये रूट 2 रेस टू 8 एक्चुअल में हो गया 2 रेस टू 4, और रूट 5 रेस टू माइनस 2 को डिनोमिनेटर में लिख दूं तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया, बोलो सही है। बना क्या ये 16 ओवर 5, ध्यान रहे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, ये जो अभी आपने फिलहाल वैल्यू निकाली हुई है ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट। तो जब हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू ये 16 ओवर 5 स्क्वायर होगा, यानी क्या होगा 256/25। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखे नेक्स्ट, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा, एक्स प्लस आयोटा वाई इज अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करो सर, बैठे रहते हो। जो होगा बताइए, वन होगा तो वन बताइए। हो गया, अगेन ये देखते हुए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, बड़ा ऑब्वियस है कि मॉड ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, तो अगेन टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, ये और अब जो मॉड लेंगे तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस,
और इसको हम ए माइनस आयोटा बी का मॉड और रूट था, तो रूट का मतलब है पावर इस पे हाफ था, अंडर रूट का मतलब है कि हाफ पावर है, तो पावर को मॉडुलस के अंदर लिखो या मॉडुलस के बाहर लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इधर मॉड लेंगे तो ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यही मॉडुलस होगा ए माइनस आयोटा पावर है इस पे, तो ये तो खत्म हो गया अल्टीमेटली ये वन बन गया। और जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वन, सपोज लिखो सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एंड मॉड ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस फाइव, मॉड ऑफ z प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी ये बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
हो गया। देखो बेटा, ये गिवन है कि जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, रख दो यहाँ पे ले जाके जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस फाइव। आपने क्या किया, जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई रख दिया, ये गिवन था। ठीक, रियल पार्ट को अलग कर दें तो रियल पार्ट है इसका एक्स प्लस वन और इमेजिनरी हो गया आयोटा वाई, उधर रियल हो गया एक्स माइनस फाइव, इमेजिनरी आयोटा वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना हो तो पहले तो आप रियल एंड इमेजिनरी को अलग अलग करोगे, क्योंकि मॉडुलस एक्चुअल में क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब दोनों साइड पे मॉड लो तो मॉडुलस क्या आएगा, लेफ्ट वाले का मॉड आएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। किसी भी नंबर का मॉड ले रहे तो मॉड क्या लिखते हैं एक्चुअल में, आप रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट है एक्स प्लस वन, इमेजिनरी पार्ट है y, तो अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। राइट पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट x माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। राइट साइड पे रियल पार्ट x माइनस फाइव, इमेजिनरी पार्ट y, स्क्वायरिंग कर दो रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, उधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये दोनों साइड से कैंसिल हो गए, बना क्या ये टू एक्स और उधर से टेन एक्स ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर, तो एक्स की वैल्यू टू। एक्स इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री आयोटा, इफ मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा is equal to mod of z minus 3 iota, then prove that z is a real number, then prove that z is a real number। कैसे प्रूफ करोगे, ध्यान से सुन लीजिए, z यहां पे क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी आपसे कहा जाए जेड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको नहीं मालूम है कि जेड है क्या, तो आप सपोज कर लोगे कि सपोज जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप पहले सपोज कर लेंगे जेड एक्स प्लस आयोटा वाई और इस इक्वेशन में रख देना कर। अल्टीमेटली आपको प्रूफ कर क्या करना है कि जेड रियल होगा, रियल मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके वाई की वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए, अगर वाई की वैल्यू जीरो आ गई तो आप कह दो कि जेड जो है वो रियल नंबर है। लिखे कर लीजिए सर, आर्यन कर क्यों नहीं रहे हो,
कर लो, हो गया, नहीं कर रहे बैठे हुए आप, हो गया। तो देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, जेड इज अ रियल नंबर। जब भी आपको प्रूफ करना हो जेड इज अ रियल नंबर मींस वाई जीरो हो जाना चाहिए, और अगर प्रूफ करना हो जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर तो एक्स जीरो हो जाना चाहिए। क्योंकि जेड आपको नहीं पता है क्या नंबर है, तो आप पहले सपोज कर लो कि जेड है एक्स प्लस आयोटा, सपोज जेड इज आयोटा, और इस जेड की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में रख दो ले जाकर। तो z को रख दिया x y प्लस 3 आयोटा, x प्लस आयोटा y माइनस 3 आयोटा, z को रिप्लेस कर दिया x प्लस आयोटा y से। इधर रियल पार्ट x को और आयोटा कॉमन ले ले, तो इमेजिनरी पार्ट y प्लस 3 से। राइट पे भी रियल पार्ट x है, आयोटा कॉमन ले लें तो इमेजिनरी पार्ट y माइनस 3 है। मॉडलिंग, जब भी मॉड ले रहे हो तो क्या लिखते हो, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर x स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो रूट गायब हो जाएगा, और जब हमने स्क्वायरिंग किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6y 9, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6y 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इनफैक्ट 9 भी कैंसिल हो गया, एक तरफ ले आए तो हो गया 12y, तो y 0 है, और y 0 मतलब z रियल नंबर है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो हो जा रहा है वो जीरो हो रहा है, तो देयरफॉर जेड इज अ रियल नंबर। ये तो सब्जेक्टिव में मैंने पूछा इसलिए प्रूफ दैट कर दिया, अदरवाइज ऑप्शन होता आपके पास ये इक्वेशन गिवन होता मॉड जेड प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस 3 आयोटा, एंड देन ऑप्शन होता जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, नाइदर प्योरली रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, इस तरह के ऑप्शन होंगे। ठीक है, ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर नहीं रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में मैंने आप लोगों को छोड़ दिया टेस्ट तक, अगली क्लास में आप एटलीस्ट एक डीपीएस तो पूरा सर होना ही चाहिए, सेकंड डीपीएस का भी कम से कम फर्स्ट पेज करके आएगा, जितना डिस्कस करूंगा करके आएगा। एक्स ना जीरो, तो कट गया तो जीरो हो गया।